प्रदोष के समय पर, उससे पहले लक्ष्मी और दरिद्रता फिर भ्रमण पर निकलती। शिव भ्रमण कर जब वापिस आ जाते हैं, हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष की जो गणना वराह पुराण में करी गई है, 4 बजे से 7 बजे तक शिव के भ्रमण का समय बताया है शाम को। तो 7 बजे से लेकर फिर रात्रि 9 बजे तक लक्ष्मी और दरिद्रता फिर भ्रमण पर जाते हैं। इनका एक समय निश्चित है महाराज। भ्रमण कर आ जाना। अब इस बीच में जब लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों निकल कर जा रही हैं, तो दोनों एक भाव रख कर जाती हैं कि आज हमको कहां प्रवेश करना। आज हमें किस जगह पर प्रवेश करना है, आज हमें कहां पहुंचना है, आज हमें किस जगह जाना है। और जिस नगर में, जिस मार्ग से लक्ष्मी और दरिद्रता निकल कर जाती है, ये दोनों का जब निकलना होता है, इनको स्थान दिया गया जहां पर स्वच्छता हो, घर के दरवाजे पर रंगोली डली हुई हो, द्वार पर जल छीटा गया हो। महाराज, उस द्वार पर लक्ष्मी प्रवेश करती है तो दरिद्रता भी जाने लगती है अंदर। जब दरिद्रता अंदर जाने लगती है तो लक्ष्मी उसको रोक देती है, पहले मैं देखकर आती हूं कि तेरे लिए स्थान है कि नहीं, तू यहां रुक। कुछ देर तक दरिद्रता बाहर खड़ी रहती है और लक्ष्मी जी की बड़ी बहन जब दरिद्रता बार बार अंदर जाने का प्रयास करती है तो लक्ष्मी जी कहती हैं, जीजी तू इतनी बड़ी होकर, तुझे मालूम है तू, तेरा सम्मान होना चाहिए, आदर होना चाहिए, और तू अंदर चली जा और कोई तेरा सम्मान ना करे तो कितना बुरा लगेगा, इसलिए तू बाहर खड़ी है, मैं अभी आई। अंदर जाती है और जब लक्ष्मी जी भ्रमण कर लेती हैं, अंदर प्रवेश कर आती हैं, और प्रवेश कर आती हैं तो दरिद्रता पूछती है चले अंदर, तो लक्ष्मी जी कहती हैं, तुझे मालूम नहीं है क्या जीजी कि जिस घर में मैं प्रवेश कर जाती हूं उस घर में फिर दरिद्रता नहीं जा सकती, क्योंकि यह तेरा वचन था, यह तेरा वचन था। अपन दोनों का जब मंगल विवाह हुआ था, मेरा विवाह जब नारायण के साथ में हुआ और तुम्हारा विवाह जब दुसाह मुनि के साथ हुआ, दरिद्रता का विवाह दुसाह मुनि के साथ हुआ, जब अपना दोनों का विवाह हुआ था तो अपन दोनों ने एक वादा करा था कि जिस घर में लक्ष्मी प्रवेश कर जाएगी उस दिन फिर दरिद्रता नहीं जाएगी, और जिस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाएगी उस घर में फिर लक्ष्मी नहीं जाएगी। अब जब मैं अंदर देख कर आ गई हूं तो तू अंदर नहीं जा सकती, अर्थात लक्ष्मी के चरण जिस घर में पड़ गए उस घर में फिर दरिद्रता प्रवेश नहीं कर रही। चलते चलते फिर दरिद्रता ने देखा और लक्ष्मी जी इसको लेकर गई और लक्ष्मी जी ने देखा कि इसके दरवाजे पर जल नहीं छीटा गया, इसके दरवाजे पर ना रंगोली डली है, इसका द्वार साफ नहीं हुआ है, इसके द्वार पर दीप नहीं है, इसके द्वार पर कलश नहीं है, इसके दरवाजे पर ढेर सारा कचरा पड़ा हुआ है, कोई स्वान कोई कुत्ता गंदगी भी कर चला गया है, कहीं बिल्ली ने गंदगी कर रखी है, कहीं जीवों ने कुछ गंदा गिरा रखा है। तो फिर लक्ष्मी जी कहती है, जी जी अब मैं होकर आ गई थी ना, अब तू जा, तू होकर आ, और दरिद्रता प्रवेश करती है। तो अंदर जाकर क्या देखती है दरिद्रता कि इतनी सवेरे से मैं घूमने इनके दरवाजे पर आई और ये तो सब चादर तान के चकाचक गुर्राटा भर भर कर सो रहे हैं। तो दरिद्रता कह देती है, तुम्हारा भाग्य ही बेकार है, तो मैं क्या करूं, तुम ऐसे ही सोते रहो। और दरिद्रता गुस्से में बाहर निकल कर आती है, लक्ष्मी से कहती है, लक्ष्मी तू इसके घर में जाना ही मत ही। तो दरिद्रता को कहती है, जी जी तेरी बात नहीं मानूंगी क्या मैं? लक्ष्मी जी बोली, मैं तेरी बात नहीं मानूंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी इसके घर में, तू चिंता मत कर, चल आगे चले। फिर आगे बढ़े, ये लक्ष्मी और दरिद्रता का प्रवेश। आपके घर का द्वार
आपके घर का दरवाजा। फिर निवेदन करूंगा एक बहुत सुंदर बात, हमें महाराष्ट्र से सीखना चाहिए, हमें साउथ से सीखना चाहिए, दक्षिण से। जिस समय पर भक्ति देवी यमुना जी के घाट पर रो रही थी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य को गोदी में लेकर, समय देव ऋषि नारद ने एक प्रश्न किया था कि तुम कहां पर पोषित हुई हो, तुम्हें ऊर्जा कहां से प्राप्त हुई? तो कहा, मैं गुजरात से तो चली हूं, और वहां से चलती चलती भक्ति देवी कहती है, मैं बहुत दुखी होकर, बूढ़ी होकर, द्रवित होकर, बड़ी दुख में वहां से चलते चलते जब मैं महाराष्ट्र में पहुंची तो मैंने वहां जाकर देखा कि वहां पर लोग हर पल हर घड़ी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्मरण करते हैं, नाम जाप करते हैं, और दरवाजे पर जल छींट कर रंगोली डालते हैं। तो कह रही है कि वहां पर मैं थोड़ी अवस्थावान होने लगी, वहां मुझे अच्छा लगने लगा। फिर जब मैं और आगे पड़ी, दक्षिण में जब पहुंची, वहां पर जाकर मैंने देखा कि सुबह से उठकर मंगलाचरण, मंगला स्त्रोत और वेदों की ध्वनि होने लगी, वहां पर मैं और आनंदित हो गई। हमें कुछ चीजें महाराष्ट्र से सीखना चाहिए कि वहां रहने वाले जो भगत हैं, वारकरी संप्रदाय के जो भक्त होते हैं, वैष्णव जो धर्म के भक्त होते हैं, उनका नियम है सवेरे के समय घर में पानी है कि नहीं है, पर जब भी वो घर का दरवाजे के बाहर थोड़ा ना थोड़ा पानी तो छींट ही देते हैं, और छींटने के बाद फिर वहां पर अपने यहां तो दिवाली पर रंगोली बनती है जी, और वहां पर रोज की रंगोली बन जाती है कि कभी हो सकता है परमात्मा राह भूल कर हमारे घर में प्रवेश कर जाए, इसलिए वहां प्रतिदिन की रंगोली, प्रतिदिन। हमें सीखना चाहिए थोड़ा सा, आज के जमाने में तो बहू अपने कमरे की झाड़ू लगा ले वो भी बहुत बड़ी बात है, हो खड़ी खड़ी बहू ये देखती रहेगी कि नौकरानी सही से झाड़ू लगा रही, वहां से लगा के लाओ, इधर से हेड़ के ले जाओ, वहां से कचरा सोरो, वहां से पोछा लगाओ, खड़ी रहेगी, उंगली से बताती रहेगी, पर इतना नहीं बनेगा कि सेविका से, नौकरानी से, दासी से कह दे कि तू मम्मी पापा के कमरे की लगा ले, मैं मेरे कमरे की लगा लूंगी, तू जा उधर। थोड़ा दया का भाव अगर होता तो उसके मन में भी आता कि मेरी बड़ी सेठानी तो अपनी जगह पर है, पर छोटी तो सेठानी की भी बड़ी सेठानी है जो मुझ पर करुणा करती रहती है, पर बड़ी तो कहे कि बेटा रहने दे, तू उधर ले जा, जब भाभी के कमरे में देख ले जा, उसके बच्चों का बड़ा फैला रहता ना, तू उधर देख ले जा, तो जरा उधर मां उधर भेज रही है। थोड़ा सेवा का भाव हमारे भीतर हो, और एक निवेदन तो हमेशा करा है और आज भी करता हूं, पूरे घर की सफाई करवाओ, पूरे घर में तुम पोछा झाड़ू जो चाहे करवाओ, मना नहीं है, पर एक निवेदन है, रसोई घर के अंदर बहू और बेटी ही जाकर भोजन बनाए तो अन्नपूर्णा सदा कृपा करती है महाराज, बहू और बेटी ही।